आजकल हमारे पास ग्लास डोर्स ज्यादा चल रही है अलमीरा। इसमें क्या है कि जैसे ही आप डोर खोलोगे तो लाइट जल रही है। सो बेटा सही लग रही है कैसा भी। तो यहाँ ना आपको फुल ऑन लगती है। देखो बेड्स की कलेक्शन मिल जाती है, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, इस तरीके के सोफा कम्पेयर भी। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. जहाँ मैं डालता हूँ अमेजिंग वीडियो जिससे कि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस हो सके और भी सिंपल एंड अमेजिंग। एंड आज आ गया मैं दिल्ली की वन ऑफ द लाइक अमेजिंग एंड बड़ी मार्केट में, जो लाइक मेन मार्केट मानी जाती है फर्नीचर की, होम डेकोर बोले तो पचकुइयां फर्नीचर मार्केट। यहाँ पे आपको ना अमेजिंग डेकोर मिल जाता है, फर्नीचर मिलता है और सब कुछ मिल जाता है वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। और सिंपल आप बोलूँ ना, यहाँ ना वैरायटी बहुत होती है। सो अगर हम पूरे एक्सप्लोर करने लें, मैंने एक सीरीज बना रहा हूँ तीन वीडियो, जिसमें आपको एक में होम डेकोर, एक में फर्नीचर और एक में ऑफिस फर्नीचर एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इस वाले पार्ट में एक्सप्लोर करवा रहा हूँ आपको फर्नीचर। तो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं पचकुइया मार्केट की फर्नीचर कलेक्शन 2024 की लेटेस्ट कलेक्शन। आ जाओ। सो गाइस, यहाँ पचकुइया मार्केट में दोस्तों फर्स्ट शॉप पे आ गए होंगे, भारत फर्नीचर शॉप नंबर 52। तो आपको इतने अमेजिंग सोफे देखो रहे हैं, तो ऑलरेडी सोफे के मजे भी ले रहे हैं। तो हम यहाँ भैया से पूरी कलेक्शन पूछा लें कि इनका क्या क्या मिल जाता है और क्या प्राइसिंग रहती है। हाँ जी भैया, क्या क्या मिल जाता है भैया आपके पास? सोफा मिल जाता है सर, टेबल, दो पफी, इसका ये पूरा इंक्लूड रहता है। अच्छा, तो मतलब ड्राइंग रूम का सामान मिल जाता है सोफा? हाँ, ड्राइंग रूम। ठीक है, तो सोफे की क्या स्टार्टिंग रहती है बिल्कुल बेसिक? ये 35,000। कौन से वाला है? 35,000 वाला ये। अच्छा, इतना प्यारा सोफा, ये 35,000 रुपए का एल शेप है ना ये? हाँ जी। ठीक है, इसकी क्या वैरायटी रहेगी? टेबल रहेगा सर और दो पॉप्स रहेंगे इसमें। अच्छा, इसके दो पॉप्स आएंगे, ये वाली टेबल आएगी? हाँ जी। और ये टेबल नहीं, इसी का कलर रहेगा। अच्छा, वो दूसरी वाली जो आती है स्क्वायर में जो आती है? ठीक है, इसकी क्या वो है क्वालिटी? ये मरंडी बुट की लकड़ रहता है और ये बेलबट की कपड़ा लगा है, 40 डेंसी गद्दी है। कुछ गारंटी मिलती है? हाँ, स्ट्रक्चर गद्दे की 4 साल और ढांचे की 5 साल। ठीक है, और इसका अगर आप इसको बेस भी देखोगे ना, तो ये भी वो वाला नहीं है जो बेसिक वाला होता है। एसएस के पैर रहते हैं। अच्छा, कंपनी के? हाँ जी। अच्छा, और अगर ऐसा कुछ बनवाना हो तो कितने दिन लग जाते हैं भैया? ये हफ्ता भर के अंदर सर दे देते हो भैया? हाँ जी। अच्छा, और भी थोड़े बहुत दिखा दो यार सोफे। जैसे ये कितने का? ये रिक्लाइनर टाइप है बोला? हाँ, ये रिक्लाइनर टाइप है। ये कितने का आता है सोफा? ये 10,000। सिंगल पीस मिलता है 10,000 में का? ठीक। और ये वाला सोफा बेटा सही लग रहा है, कैसा भैया? ये सर जाके ठीक में है, टेबल रहेंगे, दो पोर्ट्स रहेंगे। ठीक। और ये टेबल इसकी है? हाँ, ऐसी टेबल आएगी ना? ऐसे टेबल। अच्छा, इसकी ऐसी टेबल आएगी, इसकी हाँ। दूसरी आती है वो स्क्वायर वाली। हाँ ठीक है, तो ये इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसके जाके 40,000 है। 40,000। और टेबल रहेंगे इसे 2x3 के और दो पोर्ट्स रहेंगे इसके। ठीक है भैया, ये सोफा आएगा। ठीक है, इसके अलावा अंदर कैसे भैया वो जो सिंगल 3 सीटर वाले काउच है ये? हाँ जी, ये आपको 21,000 रुपए पड़ेंगे। अच्छा, और ये वाला भैया ऐसे वाला? ये 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। ठीक है भैया, एक बार अपना कार्ड दिखा दो और किसी को आना हो तो। ठीक है, ये रहा भैया का कार्ड, यहाँ पे भैया के पूरी सोफे की कलेक्शन है, ये रहा नंबर और यहाँ पे इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है सारी। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू भैया। सो गाइस, जो मैं नेक्स्ट शॉप पे आया हूँ ना, यहाँ पे अलमीराज है। सोफे मैंने आपको दिखा दी, नेक्स्ट थिंग जो होम फर्निशिंग में आती है वो आती है अलमीराज। एंड इनके पास पर्सनली बहुत क्लासी अलमीराज लगे मुझे। तो भैया से हम प्राइसिंग एंड कलेक्शन पूछ रहे हैं, भैया कैसे अलमीराज मिल जाती है आपके पास? भैया मेरे पास जो साइजेस अवेलेबल है वो 7x4, 7x3 से स्टार्टिंग रेंज है। 7x3 स्मॉलर साइज, मतलब जो हमारे पास सबसे छोटा साइज चलता है 7x3 का होता है। ये 7 फीट हाइट है, 3 फीट विड्थ है। ऊपर आपको स्टोरेज यूनिट मिलेगा, अंदर आपको सारा मतलब लॉकर हो गया, फोल्डिंग पट्टा, लाइक वन साइड ये फोल्डिंग पट्टा होता है जिसमें बड़ी लेंथ के सूट्स वगैरह हैंग होते हैं। नीचे दो कंपार्टमेंट, नीचे शू ड्रॉअर होता है। okay. इसका जो प्राइस स्टार्टिंग रेंज है वो हमारा है 13,500 की रेंज है 7x3। और ये सारी हाई ग्लॉस फिनिश के अंदर होगी, सुपर हाई ग्लॉस है ये सारे। 9 लेयर ग्लास कोटिंग बोर्ड है, यूवी पैनल्स है जितने भी हमारे यूवी पैनल्स है। उसके बाद हमारे पास जो साइज शुरू होता है वो 7x4 है। 7x4 जो है ये हमारा ट्रिपल डोर का पैटर्न आता है, मतलब यहाँ लोग हमारे से मिरर भी लगवा लेते हैं, तो लाइक ड्रेसिंग कम अलमारी काम हो जाता है। इसकी जो रेंज स्टार्ट हो जाती है वो 18,000 की रेंज है। 18,000 के हैंडल मिलेंगे, कॉपर प्रोफाइलिंग होगी, लॉक सारे कंप्यूटराइज्ड होंगे, सारे की जो होंगे वो सारे मतलब लाइक फुल सिक्योरिटी वाले लॉक्स है, सारे अच्छे लॉक्स मिलेंगे सारे। अच्छा, ये हैवी है, मैंने क्लिक करा तो बड़ी हैवी है, ये बहुत हैवी क्वालिटी है। जनरली ये बहुत हैवी क्वालिटी लग रही है, इसमें ना बहुत सारे डिजाइन है। एक यार ये ग्लास डोर है, ये ग्लास है। आजकल हमारे पास ग्लास डोर्स ज्यादा चल रही है अलमीरा। इसमें क्या है कि जैसे ही आप डोर खोलोगे तो लाइट जल जाएगी। हाँ, ये बहुत ज्यादा क्लासी लग रही है। में ये ज्यादा इन है, मतलब जो है इसका जो 7x3 का साइज है वो 20,000,
इसका जो 7x4 का साइज है वो आपको पड़ेगा 26,000 की रेंज का। और इसके बाद जो हमारे पास साइज चलता है ये 7x6.5 साइज है। अच्छा, तो प्रॉपर बड़ा साइज मिलेगा विद वन ड्रेसिंग टेबल। अगर आपके किसी के पास टाइम नहीं है बनवाने के लिए तो ये हमारे से कॉन्सेप्ट लोग खरीद के ले जाते और वॉल पे लगा लेते। पूरा एक वॉल का यूनिट है। ऊपर आपको ये स्टोरेज यूनिट मिलेगी भैया, इधर भी स्टोरेज यूनिट है। ये ड्रेसिंग स्टाइल मॉडल है, यहाँ पर आपको अंदर भी स्टोरेज है। अच्छा, इसमें भी स्टोरेज है? यस, इसके अंदर भी स्टोरेज है। इधर डबल डोर है, मतलब लाइक वही सेम लॉकर फोल्डिंग पट्टा, नीचे ड्रॉर, मतलब सेम कंपार्टमेंट इधर भी होगा। अगर कस्टमाइज कराना है वो सब हो जाएगा इसमें पॉसिबल। भैया इन सब एलिमेंट्स की क्वालिटी क्या रहती है? बैक साइड का स्ट्रक्चर सारा वो पार्टिकल बोर्ड है जो कंप्रेस्ड वुड होता है, इंजीनियर वुड है। और फ्रंट जो डोर है वो सारा MDF का होता है इनका। अच्छा। और जो ये यूवी पैनल है ये SDF के ऊपर है। ये 9 लेयर जो लैकर ग्लास कोटिंग हो रही है ये भी मतलब हार्ड बोर्ड पे है सारी, जो ये PU पॉलिश कंपनी हमारे को करके दे रही है। और इसकी लाइक कोई गारंटी वगैरह मिलती है? दीमक कीड़े की लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम लोग, और 3 इयर्स की हम लोग वारंटी देते हैं। हैंडल ताले चैनल लॉक कर लो। मुझे पर्सनली ये वाला जो है ये हैंडल बड़े अच्छे लगे, कॉपर वगैरह। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये चलता है, जैसे एक कॉपर के हैंडल ये है, एक कॉपर के हैंडल वो है। ये हमारी एक स्लाइडिंग वार्डरोब है, ये 8x6 का साइज है। ऊपर आपको स्टोरेज यूनिट पूरा मिलेगा। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा एक फुली वार्डरोब है, मतलब आपको लॉकर हो गए, 2 लॉकर ऊपर, 1 लॉकर नीचे, मतलब स्टोरेज यूनिट आप बहुत मिलेगा। हैंगिंग है और इसमें आपका हम लोग ड्रेसिंग स्टाइल मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर हमारा ये है कि शीशा भी लगा हुआ है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो आजकल बहुत इन है। हाँ, ये हमारा ज्यादा चल रहा है इस टाइम कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा बिकता भी है। और इसी आ जाती है। हाँ, ये जो पड़ेगी 35,000 की रेंज है, 8x6 का साइज, 8x6। अगर आपका साइज कम होगा तो प्राइस कम होंगे, साइज ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा। और अगर हमें इसी में छोटी बनवानी है तो कितने दिन लग जाते हैं? 1 वीक का टाइम चाहिए। 1 वीक में हो जाती है? 1 वीक। एक ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, ग्लास है ये, जैसे ग्लास डोर आजकल लेना है। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंपल ग्लास, ब्राउन ग्लास, ब्लैक ग्लास, प्लेन ग्लास, ये फ्लूटेड है। अच्छा, ग्लास में भी वैरायटी मिलेगी? वैरायटी ग्लास के अंदर भी वैरायटी मिलेगी, मतलब आपको फुली मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा भी मेरे पास 5-6 आइटम हो रहा है जो हम लोग कस्टमाइज कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी चीजें। आप फोटोज दिखा देंगे? फोटोज दिखा देंगे, कैटलॉग्स दिखा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो भी बोलेंगे सब पॉसिबल है। और हमें कॉन्सेप्ट लाना हम भी ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से भी, जो अपना अगर नेट पे कोई आपने डिजाइन देखा वो भी हम लोग सेम कॉपी करके। बिल्कुल कॉन्सेप्ट होगी। और भैया थोड़ा डिस्काउंट भी देगा कोई आएगा तो? बिल्कुल बिल्कुल होगा जी डिस्काउंट। अभी एक बार कार्ड दिखा दो जी, क्योंकि मुझे यहाँ की कलेक्शन बहुत अमेजिंग लगी। एक्चुअली मुझे बहुत जो ट्रेंड वाली होती है ना अलमीरा सारी बोली, स्पेशली दिस वन जस्ट टुक माय हार्ट अवे। ये मैंने एक्चुअली खुद देखी, मेरे दोस्त ने एक्चुअली भैया ये बनवाई है। ठीक है, उसने ये बनवाई है, जो उन्होंने बनवाई होगी उसके हम लोग समझ लो, जैसे ये जो अगर घर बैठ के आप बनवाते हो ना तो ये 30,000 से कम नहीं बनेगी डबल डोर का साइज। अच्छा, सीरियसली, क्योंकि एल्युमिनियम का फ्रेम बनता है विद ग्लास। हम लोगों ने बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर इसको कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया। आपने कितनी बताई थी मुझे? 20,000 ठीक है भैया का कार्ड ये रहा। और इसके अलावा भी थोड़ा जो डिस्काउंट हो सके और बेस्ट टू बेस्ट करके। हाँ, वो मैंने पहले पूछ लिया भैया, कर देंगे आपके लिए। जरा भैया कार्ड, इसमें सारी डिटेल से नंबर भी है और दुकान शॉप नंबर है 129 प्रतिक्रिया मार्केट। तो गाइस ये देखो, वहाँ पे तो आपको बहुत अमेजिंग अलमीरा के अलावा ना आपको यहाँ प्रॉपर लकड़ी का सब सामान मिल जाता है। जो प्रॉपर लकड़ी की फिनिशिंग होती है ना, ये सारी भी वैरायटी मिल जाती है। इस अलमीरा की बात करें, सेटिस की बात करें, या फिर बेड्स, बेड्स की भी फुल ऑन यहाँ पे कलेक्शन मिल जाती है आपको। यहाँ पे ना अगर आपको ऐसे टीवी कैबिनेट्स लेने हैं तो यहाँ पे टीवी कैबिनेट बने हुए मिल जाते हैं, एंड फुल ऑन वैरायटी मिलती है, बड़े से बड़ा एंड इवन दो ये छोटे मिल जाते हैं। देखो लाइट वाइट सब लगी हुई है, एक प्रॉपर टीवी कैबिनेट रेडी मिल जाते हैं। सो गाइस विंग 1 के बाद मैं आ गया हूँ विंग 2 में। मैंने आपको सोफे वगैरह वहाँ सब कुछ दिखा दिया। विंग 2 में ना आपको बेड और ऑफिस फर्नीचर बहुत ज्यादा मिल जाता है। ऑफिस फर्नीचर की तो ऑब्वियसली मैंने एक और ब्लॉग बनाया है, आप वो जरूर देखना। बेड्स की कलेक्शन मैं अब आपको दिखा। तो गाइस यहाँ ना आपको फुल ऑन लेके देखो बेड्स की कलेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे बेड्स हैं, यहाँ पे बेड्स हैं, इस तरीके के सोफा कम बेड भी मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बेड्स में अवेलेबल हैं, फुल ऑन लकड़ी के भी और फैंसी भी, हर तरीके का बेड मिल जाता है। देखो आप, ये देखो आपको बाहर से यहाँ दीवान सी कलेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। एंड पचपिया मार्केट में कहीं यहीं पे माल बनता भी है, देखो यहीं पे बन रहा है एंड यहीं पे सेल आउट होता है। देखो ये फैंसी हेड वाले जो आपके बेड्स होते हैं ना, ये भी आपको यहाँ सारे मिल जाते हैं। सो अगर आप विंग 2 आओगे ना, यहाँ पे इस रोड पे आपको पूरे बेड ही बेड मिलेंगे, लाइक बेड्स और गद्दे और ये पूरी कलेक्शन इन्हीं चीजों की। बस ये पूरी कलेक्शन है होम फर्नीचर की। बेसिकली पचपिया मार्केट वन ऑफ द दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे बहुत होम फर्नीचर की कलेक्शन मिलती है। जितनी मैं दिखा सकता हूँ मैंने आपको दिखा, एक छोटा सा टूर दिया है, बट आपको अगर कोई क्वेरी हो तो जस्ट कमेंट करके बता देना। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, जहाँ मैं आपको ना कैसे हैक्स दिखाता हूँ, ऐसी मार्केट दिखाता हूँ जैसे अपनी मार्केट एक्सपीरियंस को बहुत और अमेजिंग बना सकते हो।
तो यार ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। चलो मिलता हूँ आपको कल दोबारा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय दैट टाइम जस्ट एंजॉय योर डे एंड बाय।